आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हम इतनी सारी छाछ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि सबकी हालत है टाइट। कल बड़े जोश जोश में स्पाइसी नूडल्स तो खा लिए, सुबह से सब पेट पकड़ के बैठे हुए हैं कसम से। और एक्चुअली पता है क्या हुआ, कल है ना हर्ष के घर पे फंक्शन था छोटा सा, तो वहाँ पर थे हम, तो रात को वहाँ पर फिर खाई हमने मसालेदार सब्जी और बेजड़ की रोटी। रात को सब हम ओके थे। कालू तो भाई शाम थोड़ी देर बाद ही खेल गया था बिल्कुल, कि भाई पेट दर्द होना चालू हो गया, मतलब पेट में गड़बड़ हो रही है भाई, अजीब सा हो रहा है पेट के अंदर, अब मुझसे नहीं हो रहा। हम लोग तो नॉर्मल थे, बोले हमारे तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो ठीक है। सुबह उठते ही भाई ये मेरे पेट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। वो क्या है, एक तो स्पाइसी नूडल, ऊपर से रात को वो इतना नहीं, रात को मैंने ऑनेस्टली नहीं खाया था ज्यादा, मैंने बस इतनी सी जरा सी सब रोटी या सब्जी खाई थी, नूडल वाले की वजह से इतना अवसर गया वो। नहीं एक्चुअली वही मैंने क्या खाया नहीं ना, और उसके अलावा कुछ तो अब वही। हां एक तो सीन ही हो गया ना कि कल स्पाइसी नूडल खाने के बाद मैंने ऐसा हो गया कि फिर कुछ खाया नहीं पूरे दिन, वो इतनी बुरी लग रही थी, पूरे दिन ही कुछ नहीं खाया मैंने, तो फिर भी बेजड़ की रोटी खा ली थी खूब अच्छे से। मैंने नहीं खाई। हाँ तो मेरे तो दोनों चीज मिलकर इफेक्ट कर दी, इसके तो कुछ ही असर नहीं हुआ। मैंने खाई है नूडल। हाँ इसने तो खाई भी सारी, तो मैंने खाई है, रहने दे तू, रहने दे, और मैंने खाई है सारी। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज ना मेरी सुबह बहुत बुरी हुई है। क्यों? मैं जैसे ही उठी और मैंने फोन चलाया ना, तो वो न्यूज़ देखी मैंने, सिद्धार्थ शुक्ला वाली, आई फेल्ट सो बैड, बहुत बुरा लगा। 40 की उम्र थी उनकी बस। हाँ यार ये सीन समझ में नहीं आता कोई भी, एकदम पता ही नहीं चलता। और मैं सुबह देखा, मैंने कहा यार क्या है, मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या है, पता नहीं कौन मजाक कर रहा है। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल खोली और मैंने फिर कॉमेंट्स पढ़े, मैंने कहा रे यार बहुत बुरा लगा। मैं अभी भी वही देख रही हूँ यार, और कैसे हो सकता है ये, और ये बच्चियां तो ज्यादा इफेक्ट हो जाती है ऐसी न्यूज से। अभी पूरे दिन परेशान रही है। नहीं हाँ मुझे पता है, तो पूरे दिन परेशान रही है। वो एक और चीज यहाँ पर, जो कल अपन बिजली कड़की थी ना एकदम से, तेरे को पता है क्या, वो ऐसे करके अपनी बिल्डिंग तक इफेक्ट देके गई थी, नीचे के सारे बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। भैया बता रहे थे मानसरोवर में गिरी है, और बोले मैं नीचे सफाई कर रहा हूँ और मेरा फोन काम नहीं कर रहा, किसी के फोन काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं आ रही। अब मैं देखो फोन नहीं आ रहा, देखा तो फोन बंद। हाँ उनका फोन तक बंद हो गया था, वो नीचे ही थे। हाँ। और नीचे रखा हुआ था उनका फोन, तो फोन भी उनका नहीं चल रहा था, और नीचे के जो बल्ब वगैरह वो सब फ्यूज हो चुके हैं, आधा फेस उड़ चुका नीचे का। ये मैंने वो पहना है, क्या बोलते हैं उसको, सूट, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ यूट्यूब वीडियो हेयर स्टाइल का। तू क्या पी रहा है? कुछ बनाया इन्होंने, कोशिश तो करी, यार, ट्राई कर रहा हूं यार, हमने इसमें नमक डाल दिया यार, जल्दी एक्ट कर यार, रोते ना रो। नमक, और मुझे लगा इसका थोड़ा कड़क है। रिवर्स प्रैंक ऐसे मिलते यार। मैं इन कोका कोला वालों को बताऊंगा नमक डाल के भेजो, ज्यादा अच्छी लग रही है। यशी ने आधा काम कर लिया बट आधा नहीं हो पाया, क्योंकि बादल हो रहे हैं और लाइट की वजह से। मत बताओ तो पता है। अरे वो यशी काम कर रही है, मतलब यहाँ पर मौसम बादल हो रहा है। उसकी वजह से लाइट डिम हो गई बहुत ज्यादा, इसलिए अच्छे से शूट नहीं कर पा रही, नॉइज आ रही है वीडियोज में लो लाइट की वजह से, तो इसलिए इसने आधा शूट बंद कर दिया है। और जब ये शूट कर रही थी तो मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहता हूँ, भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये दोनों भी उधर ही चल जाती है, इसके साथ लग जाती है, मैं माथा फूडी भी किससे करूँ, है ना। तो मैं बिना बोले घर से चला जाता हूँ, फिर मैं डांट खाता हूँ, फिर मैं ऐसे घूमने चला गया, फिर इसने मेरे को अभी है ना बिना बताया गया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा ना मेरे को बता के जाया कर, मैं तेरे को पूरे बिल्डिंग में ढूंढ आई। बोले ना मैं तो गया था ना, मेरे को फोन कर लेती, फोन करो तो फोन उठाए, तो मैंने अब तो उठा लिया ना फोन। मैंने कहा तेरा फोन आया है मेरे पास। अरे तो यार मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे ढूंढ रही है इधर उधर, और बेवकूफ आदमी फोन नहीं उठाएगा एकदम से, कोई किडनैप करके ले गया तेरा। मुझे कमल ये देखना बैकग्राउंड नॉइज, मुझे कौन किडनैप करके लेके जाएगा यार। अरे जो भी, लेकिन बता के जाना चाहिए ना घर से। अरे तो घर में लोग रहते हैं। अरे तू तो उधर काम कर रही थी, तो डिस्टर्ब नहीं हो। जब यहाँ पे बैठा बैठा फ्लश कर रहा था, जब तक देखो ये बात याद नहीं है कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ। मैं बोलू ये बार बार फ्लश की आवाज करे, मैं बोलू फ्लश की आवाज करे, भगवान क्या है ये। अब बोल, एक बार हुई थी यार वो तुम्हें। अरे अरे ये दोनों बैठी इनसे पूछ। हां एक बार ही हुई थी मेरे को तो, नहीं आई मालिक, एक बार ही हुई थी ये तेरा फोन में, तेरे कान में। अरे तो और ये देख रही थी वो चिया से पूछ हम लोग कितने रिटेक्स। एक बार, एक से ज्यादा बार तो नहीं हुई थी, दो तो एक बार हर्ष गया होगा। नहीं सुन, दो बार तो वो आवाज हुई, उसके बाद में फिर तुम जो बार बार कुंडिया लगाते हो वो आवाजें होती है। इसी वजह से ना मैं घर से बाहर चला गया था कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी जबरदस्ती के। अब ये लो, अब ये देख लो, इल्जाम लगा रही जबरदस्ती के। हां जी, तुम्हारी पट भी तुम्हारी एक लात दूंगी ना उड़ता हुआ नजर आएगा, मुझे भूख लग रही है। मैं तो नाराज हो गया, भूख लग रही तो मेरे पास मतलब तो हो जा नाराज, बाय बाय। अरे कहाँ जा रही है यार, कुछ खाने कहाँ जा रही है, चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। ये तूने काम करने लग जाती, मौसम तू करवा देती है घूमने लायक। स्कूटी पे चल, चल कहीं चलना है तो स्कूटी पे, तो कार नहीं है। कहाँ जा रहे हैं?
तू बता तेरे को क्या करना है। तुम वहां पे भी जाके लड़ने लग जाओगे वापस से। चार लोगों में बेइज्जती उससे अच्छा बैठ रहा। चार लोगों में बेइज्जती करवाओगे। ओके ओके ओके। तो फिर कहीं जाना है या नहीं जाना, कुछ खाना है तो पता नहीं तो मंगा देता हूँ फिर मैं यहीं पर। तेरे लिए यहीं मंगाता हूँ मैं, घूम के वापस खाता हूँ। अब तो तेरे को बता के जा रहा हूँ ना, अब क्या दिक्कत है। पिटने के काम मत कर। ले चल अपन उस चलते हैं तेरे वाले कहते थे। मेरा कौन सा कैफे? तेरा भाई मेरा कैफे भी है मुझे पता नहीं। तेरा फेवरेट कैफे? तेरा फेवरेट कैफे चल चल। मेरा फेवरेट कैफे फार्म कैफे। यस पिज्जा। यस अरे मैं सालों बाद पिज्जा खाऊंगी। हाँ और वैसे ना ये मेरे से ना जिद कर रही थी डेढ़ महीने से, क्योंकि उस टाइम तो लेकिन है ना सावन चल रहे थे, लहसुन प्याज खा नहीं सकते थे, इसलिए जा नहीं पा रहे थे जितनी बार भी। भैया मुझे ना मुझे वो मोटी वाली क्रस्ट नहीं पसंद, मुझे सिंगल पिज्जा अच्छा लगता है। क्या क्या होती भैया, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर मीकू के साथ। ओहो तभी तो बेचारी सुबह से नहाई नहीं है आज काम के चक्कर में। नहीं है आप देखो गाइस वो नहाई नहीं है, बताओ इसे कहते हैं लेट उठने की सजा। सुन कल मेरी बात सुन ले, किसी भी हाल में 8 बजे सब उठ जाने चाहिए गाइस। हंस रहा है तू क्यों हंस रहा है, तेरी वजह से सब लेट हुए हैं आज। अब क्या हूँ क्या कर रहा है 8 बजे से, देखो पूछ रहे नहाले नहाले। मैं 8 बजे से इनको जगा रही हूँ तीन बार। एक तो मैं गई 8 बजे भैया उठ जाओ नहालो, ठीक है आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर मैं गई 9:00 समथिंग मिनट पे, भैया नहालो हाँ आ रहा हूँ। फिर जब 10 इसका अलार्म बजाना भैया नहालो हाँ आ रहा हूँ। फिर ये 11:30 ना आया और ना किसी को नहाने और नहीं देता, मैं नहाऊंगा पहले। अब तू देख हमने 2 वेट किया। एक बार मैंने जल्दी नहाने को जैसे डांट सुनी उसके बाद मैं जल्दी नहीं नहाई बेचारी। देखो मैं अगर तुम मुझसे पहले ना आना तो बस उस टाइम पे नाओ कि मैं उठ नहीं जाऊँ तुम्हारे नाते हुए। नहीं मैं लाड जाऊँ। 5 बजे उठा कर फिर तू कौन सा लाड साहब है, है रे भाई। अरे नाटक कम कर, कल देखते हो तू कैसे नहाता है। मैं जिम जाता हूँ तो उस टाइम पे नहा लिया करो ना सारे सारे। तू 5 जिम जाता 5 नहा के बैठ के क्या करेंगे, नहा के सो जाओ वापस। बात तो वही होगी, बात तो वही होगी। वही बात क्या होगी, 8 कल सब उठेंगे और तू जाए नहाई जाए ना, जो इंसान पहले उठा वो नहाने जाएगा। दादागिरी मत चला अपनी यहाँ पे। दादागिरी तो तुम लोगों ने चला रखी है। और ले अब हमने चला रखी है, मेरे से पहले कोई नहीं नहाएगा, मेरे को पहले उठा देना। और दादागिरी हमने चला रखी है। एक तो नहा रहा हूँ नहा रहा हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाएगा। एक तो तुम्हारे को टाइम देता हूँ, सोने के लिए आराम से टाइम मिलता है तुम्हारे को, नींद आ रही थी कम बोला कर। और वो मुझ पे इनाम लगा रहे हो कि मैं वो करता हूँ। ज्यादा बोलेगी तो पिज्जा नहीं खाऊंगा। तू कौन होता है मुझे पिज्जा खिलाने वाला। बारिश आ जाएगी, चल अरे जल्दी करो यार, मेरा होने वाला, चाबी नहीं मिल रही है इसको। अरे तो पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। एक गैर जिम्मेदार आदमी की वजह से ना कोई बात नहीं, कार तो गई कोई दिक्कत नहीं है। खैर उसमें तो इसकी गलती नहीं थी, गाड़ी की चाबी नहीं मिली, अब ये मुझे पैदल पैदल लेके जा रहा है। भगवान तो तू मेरे लिए पैदल भी नहीं चल सकती क्या? नहीं चलूंगी। चलना तो पड़ेगा, पिज्जा खा रहा है तो चलना पड़ेगा, नहीं तो वापस जा सकती है। वापस जा सकती है तू। ऐसे सही था ना, स्कूटी स्कूटी से कार, कार से स्कूटी, स्कूटी से पैदल, सही है। ऐसे हम लोग स्कूल में जाया करते थे। हाँ वैसे ना, हाँ याद है। मैं और यशी ना, मैं यशी और यशी के भाई, हम लोग है ना पैदल स्कूल से घर जाते थे, ऐसे बातें करते करते। हाँ। ये जानबूझ के पैदल आता था, मेरे को सब पता था। जानबूझ के पैदल आता था, साइकिल थी इसके पास, मेरे पास नहीं थी। तेरे पास भी साइकिल थी, तेरे पास भी साइकिल थी, तू जानबूझ के पैदल आती थी। नहीं यार ऐसा क्यों, यही बात है। तो तू क्यों आता था, चल मैं तो आती थी जानबूझ के, तू क्यों आता था। अगर तू पैदल जाएगी तो फिर यार मैं कैसे साइकिल पे चला जाऊंगा। थोड़ा सा दूर और ये रोड जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर है वो कैफे। यार सूरज पहले पर स्कूल जाते थे अपन कितना चलते थे ना, अब तो अपने से चलने पे ऐसा रहता। अब तो तू जिम भी नहीं जाती। अब तो मैं जिम भी नहीं मत याद दिला। अब कल देख क्या होगा, मैं सोच रही थी कल जिम जाऊंगी, आज मेरा आधा वीडियो बना, अब आधा मेरे को एकदम सुबह सुबह बनाना है। सुबह सुबह बनाना है क्योंकि कल मनी हाइस्ट देखेंगे तो कल जिम में टाइम नहीं है भाई। चलो अरे कैसे भाग रही है, भागना वापस ये जी भागना। अरे यार टिंगू सा भागता रहता, अजीब सा लगता है खिलौना। स्कूल में भागती थी रेस में, चोटील दीदी इसकी टप 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 ऐसे भागती थी मैं बहुत तेज। देख लिया ना गाइस आपने, एक ही प्रॉब्लम रही मेरे को, सांस फूल जाती है। नहीं मुझे ये नहीं पता था कि सीटी के बाद भागते, सीटी बस से भागते, मुझे लगा सीटी के बाद भागते, बाकी सारे चीटर भाग गए और मैं रह गई, जबकि मैं सबसे तेज भाग गई थी, मुझे मेडल नहीं मिला। हम कैफे तो पहुंच गए बट कैफे में पिज्जा के अलावा, पिज्जा इसका 50% मन करता है, दो रीजन से इसको ये अच्छा लगता है, 50% पिज्जा की वजह से, 50% डॉग्स की वजह से, क्योंकि इस कैफे में डॉग्स अलाउड है। इस जो कैफे में बहुत सारे डॉग्स आते हैं, उनसे खेलते रहते हैं। और अभी अगर डॉग्स नहीं आए तो इसका ऐसे मत बोले आएंगे। अपने लिए ऑर्डर नहीं कर सकते कि मेरे ऑर्डर में से खाता है फिर क्या बोल। मैं बता रही हूँ मेरे ऑर्डर में से अगर तूने हाथ लगाया ना सूरज, यार जाके अपनी कॉफी पी लेना, मेरे क्यों पीछे पड़ा रहता है जब भी तुझे। अरे मेरे को चीटिंग नहीं करनी, मैं सब तेरे को खिलाने आया हूँ, मैं खिलाने नहीं आया।
वेट अ मिनट, ये कब चालू होगी? टाइट चली रही है, तुम लोग खराब कर देते हो तो हम खराब कर देते हैं, हम खराब कर देते हैं। यहाँ पर एक भी डॉग नहीं है। कोई बात नहीं, पिज्जा से मूड सेट कर लूंगी अगर मेरे पिज्जा में तुम्हें हाथ डालो ना। अरे नहीं, मैं तेरे को बस खाते हुए देखूंगा। सुन यार, सूरज यहां की फ्रैपे अच्छी ले रहे, बाद में तू मेरे खाने में से खाता है। प्लीज अपन कितने दिनों बाद दो जने निकले साथ में, कितने दिनों बाद नहीं कितने सालों बाद निकले अपन दोनों साथ में। अपन जाते थे 3 साल अपने काम को हो गए, अपन जाते थे ना जब काम करके, तो जाते थे जब अपन वो खाने जाते थे, क्या बोलते हैं, सॉटे वेजीज। हाँ जाते थे बट अपन, हाँ नहीं जाते थे, जाते थे। इतना टाइम भी नहीं हुआ, पर नहीं, पर नहीं सूरज यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया अपन को, 1 साल से ऊपर हो गया ना, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो, 1.5 साल जून नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 1.5 साल। सीन ये है कि हाँ उस टाइम हम जैसे काम करने के बाद में बहुत ज्यादा थक जाते, तो भूख लगती थी, तो खाना खाने जाते, तो उस टाइम फिर हम बात नहीं कर पाते, सिर्फ खाते ही थे, बहुत ही भूख लगी होती थी। पर अभी ऐसे अलग से टाइम निकाल के हम बहुत सालों बाद आए, सोच पहले। अब पता नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं, भूल गया, भूल गया, पत्ते ऐसे ना, हम दोनों तो साथ में कहीं पर जाते ही नहीं है, बहुत ही कम होता है कि ऐसे जाते हैं। माय ड्रीम, ये तो टेढ़ा-मेढ़ा कैसे जाते हैं। दिस इज माय पिज़्ज़ा इज हियर, और पूरे आसमान में चमकाते उड़ रहे हैं। मेरे को बहुत डर लग रहा है, कान में चिपक जाते हैं, माँ बोलती है ये खा ले चल, अकेले नहीं खा सकती, वैसे थिन क्रस्ट मिला नहीं। नहीं बट इट्स ओके, मैं जो भी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, खाना पड़ेगा मुझे, पता है कि तुझसे नहीं खाया जाएगा पूरा पिज्जा, इसलिए बोल रहे साथ में खा ले। सॉरी, थिन क्रस्टी है पिज्जा, सिर्फ साइड से मोटा है लेकिन थिन क्रस्ट है, बहुत टेस्टी है भैया, वो खुद भी नहीं पता था कि थिन क्रस्ट है। पैदल यात्री चले घर। मजा आया, बहुत हाँ। तो क्या मौज करी तुम लोगों ने? कुछ मौज नहीं करी, अभी निकली 10 मिनट पहले नहा के, नहा रही थी इतनी देर से। हमारा पिज्जा तो बहुत टेस्टी था, इतनी प्यारी खुशबू, क्या मंगा लिया आज आप लोगों ने, छोली भटूरी। टेस्ट तो करना बंद यार, हम आपको नहीं करवा रहे, अच्छी है लेकिन वाले जितने अच्छी। यहाँ तो मानना पड़ेगा मीकू वाले जितने अच्छे नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं भैया, फिर मैं अभी भी खुश होकर खाऊंगी जब आपने मेरी तारीफ करी थी। तारक मेहता चला, मेरे को मजा नहीं आया। तारक मेहता एंड चिल, कल करने वाले हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल। यो थोड़ा सा, एक तो खा ही सकता हूँ भटूरा, नहीं खा सकते, खा सकता हूँ बता रहा हूँ। चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। हाँ, इसका डांस देख रहे, कैसे डांस देख रहे। बाय गाइस।